सबसे पहले तो आगरा की जनता को और पारस अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज ये निशुल्क चिकित्सा वर्कशॉप जो हो रहा है पारस अस्पताल की तरफ से हमको बुलाया उद्घाटन करने, ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिविर का आयोजन किया गया था। आज यहाँ पे निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर लगाया गया था। इस शिविर में लगभग हर प्रकार की स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध थे और सब ने अपनी पूरी मन से लोगों की सेवा की है और बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे आज देखा गया है कि इतने ज़्यादा मात्रा में मरीज आए जिनको मुफ्त चिकित्सा प्रदान की गई। साथ में यहाँ पे मुफ्त जाँचों का भी अरेंजमेंट किया गया था। आज का कार्यक्रम हमारा विशाल मल्टी स्पेशलिटी कैंप था जिसमें सभी विभागों के डॉक्टर उपलब्ध थे और हमने करीब 200 से 250 मरीजों का परीक्षण किया है और उनकी सभी निःशुल्क जांचें भी की हैं और उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया है। उसके बाद अब एक यहाँ पर लंच का आयोजन है जिसमें हमारे सभी पारस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स का लंच है। हमने यहाँ पर आज निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा मतलब गरीब से गरीब लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। वैसे तो हर जगह गरीब तो बहुत हैं ही और मैं तो चाहती हूँ कि हर जगह जगह ये कैंप लगे, निःशुल्क कैंप, जिससे सबको सहायता मिल सके। और हमारे यहाँ करीब 200 के आसपास ओपीडी हुई है। डॉक्टर साहब के मन में बड़ी अभिलाषा थी कि आगरा वासियों और आगरा मंडल के लोगों के साथ कि उनका इलाज फ्री में किया जाए और उनकी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया जाए, इसलिए डॉक्टर साहब ने यार एक फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किया है और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं, गेस्टो हैं उसमें और फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं।